Hey friends, welcome back to Mero. आज हम बात करेंगे होममेड विटामिन सी सीरम की। ये कोई ऐसा सीरम नहीं है जो आपको डेली रूटीन में एक्स्ट्रा हो। आप फेस वॉश करते हो, मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम यूज करते हो, वैसे ही विटामिन सी सीरम भी दिन में एक बार यूज करना जरूरी है। हम रोज धूप में घर से बाहर निकलते हैं, जिससे आपको स्किन टोन में डिफरेंस दिखता ही होगा। सनलाइट एंड यूवी रेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन सी सीरम बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्किन टोन बेटर होगा, स्किन को डैमेज नहीं होने देगा और ओवरऑल ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और ये एक एंटी एजिंग सीरम भी है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो चलिए सीरम कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए नॉन च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स में शुगर मिक्स होती है, तो वो हमें यूज़ नहीं करना है। आपको मेडिकल शॉप पर इजीली मिल जाएगा और 30 रुपीज़ के अंदर आपको 25-30 टैबलेट्स का एक पैक मिल जाएगा। तो हमें चाहिए 20 टैबलेट्स। यस, 500 mg की 20 टैबलेट्स चाहिए होंगी, क्योंकि हमारी स्किन को मिनिमम 5% और मैक्सिमम 20% विटामिन सी की ज़रूरत होती है। सारी टैबलेट्स को अच्छे से क्रश कर लें। अब उसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन और 5 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। मार्केट में आपको ये सीरम की कॉस्ट 1800 से 2000 के आसपास पड़ती है और हम इसे इजीली घर पर 18-20 रुपए में बना सकते हैं। ये सीरम भी उतना ही इफेक्टिव एंड पावरफुल होगा जितना कि आप मार्केट से परचेज करके यूज़ करते हैं। इसे आप 8-10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे फिर से बना सकते हैं। और हमारा सीरम जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, उसके लिए हम एक विटामिन ई कैप्सूल मिला सकते हैं और थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। इसे आपको डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि विटामिन सी सीरम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसे डार्क कलर की बॉटल में ही स्टोर किया जाता है। इसे आप डे एंड नाइट दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम में यूज़ करने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? जल्दी से जाइए, विटामिन सी सीरम बनाकर यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।